हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। उसमें आज हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना की। देखिए, ये अनुमान लगाया जाता है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा कि लगभग 10 to 13 million, ये एक एस्टिमेशन है, अनुमान है कि अप्रॉक्स 10 to 30 million स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल की। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड फौना और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोरा। मतलब अप्रॉक्स 10 to 30 million स्पीसीज हैं प्लांट की और एनिमल्स की, जिनमें से 391,000 स्पीसीज इनकी प्लांट की खोजी जा चुकी हैं। 391,000 स्पीसीज अब तक नोन हैं, ये यानी इनके बारे में जानकारी है हम सबको। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट की स्पीसीज की हैं उनको कहते हैं फ्लोरा, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जितने भी हैं स्पीसीज में उनको कहते हैं फौना। ये एक साइंटिफिक टर्म है, और इस फौना में सभी तरीके के स्पीसीज हैं, चाहे वो मैमल है, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, उड़ने वाले जीव हैं, पानी में रहने, जितने भी हैं वो इस फौना के अंतर्गत आएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो हैं इंसेक्ट्स एनिमल्स के अंदर। तो इस तरीके से ये है फ्लोरा और ये है फौना। अब हम बात करें बायोडायवर्सिटी अराउंड अस। अपने चारों तरफ बायोडायवर्सिटी की अगर हम एक बार बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बायोडायवर्सिटी का वो अलग अलग है अर्थ के ऊपर। अगर हम बायोडायवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो डिफरेंट है डिफरेंट रीजन में अर्थ पर। तो अर्थ पर देखिए एक जगह तो नहीं है। अर्थ की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्लांट और एनिमल के स्पीसीज यहाँ पर रहते हैं। जैसे इससे नीचे आएंगे या फिर ऊपर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो जहाँ पे ये बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है उन स्पॉट्स को कैसे हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बायोडायवर्सिटी है जिनको हॉटस्पॉट कहते हैं। इंडिया में भी 3-4 जगह हैं जो हॉटस्पॉट हैं, स्पेशली रेन फॉरेस्ट जो होते हैं इक्वेटर के आसपास, उन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अब इस बायोडायवर्सिटी को है थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी। देखिए बायोडायवर्सिटी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। मेडिकल फील्ड में ले लें, एग्रीकल्चर फील्ड में ले लें, किसी भी फील्ड में आप ले लें, बायोडायवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए, या फिर किसी भी स्पीसीज़ या किसी भी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज़ को अच्छी तरह से डेवलप होने के लिए ज़रूरी है कि बायोडायवर्सिटी बनी रहे। लेकिन इसको खतरा है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है दिन पे दिन,
तो डिमांड भी क्या है वो भी इंक्रीज हो रही है हर चीज़ की। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो रहने के लिए घर भी चाहिए उनको, खाने के लिए भोजन भी चाहिए, हर एक चीज़ की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाहे वो क्लॉथ्स हैं, डेली यूज की जितनी भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज़ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो, और इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो इनसे आपको पता ही है इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा होंगी रहने के लिए, वो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण भी बढ़ेगा, रोड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे, डैम कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे, रेलवे लाइंस का निर्माण होगा, मेट्रोज बनेंगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, जिन इनको बनाने के लिए ज़्यादातर जो जगह जो निर्धारित की जाती हैं वो स्पेशली फॉरेस्टी होते हैं, और इसकी वजह से लगातार बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, यानी बायोडायवर्सिटी को खतरा है पॉपुलेशन के बढ़ने से, जो कि बायोडायवर्सिटी मैंने आपको बताया बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है किसी भी सिविलाइजेशन के इंक्रीज होने या डेवलप्ड होने के लिए। अब कंजर्व कैसे कर सकते हैं, देखिए फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ दोनों एक दूसरे के बराबर चलने वाली चीज़ हैं। फॉरेस्ट जितने इंक्रीज़ होंगे बायोडायवर्सिटी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंजर्वेशन करना है बायोडायवर्सिटी का तो सबसे पहले फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को सेव या सेव करना पड़ेगा। फॉरेस्ट को बचा लिया तो बायोडायवर्सिटी भी अपने आप ही बच जाएगी। और ये ऐसे ही नहीं, कई सारे स्टेप्स हैं इसमें जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात अगर हम करें तो जो नए जो भी कंस्ट्रक्शन हैं, जो इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए नए जो कंस्ट्रक्शन हैं, रोड का हुआ चाहे किसी भी चीज़ का जो कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसे लैंड पर हो जो खाली पड़ा हो, ऐसे लैंड पर ना हो जहाँ पर एग्रीकल्चर होता हो या यहाँ पर जंगल पाए जाते हों, पहला ये है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो कुछ कैटलॉग्स बनाने चाहिए, क्या बनाने चाहिए, कैटलॉग्स। कैसे कैटलॉग्स बनाने चाहिए कि ऐसे कैटलॉग्स का निर्माण करना चाहिए, कुछ नेशनल बायोलॉजिकल इन्वेंट्रीज बनानी चाहिए, ऐसी जगह स्थापित करनी चाहिए जहां पर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी स्पीसीज के लिए एक विशेष जगह बनानी चाहिए, वहां पर उन स्पीसीज को रखना चाहिए जिससे कि एक्सटिंक्ट हो रहे जीवों को बचाया जा सके। ठीक, नंबर थर्ड की अगर बात करें तो जितने भी पुअर नेशंस हैं, पुअर नेशंस जितने भी हैं, पुअर कंट्रीज जितने भी हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो बर्थ रेट को कम करना पड़ेगा, यानी कि बर्थ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप ही जो जंगल हैं वो सेफ होने लगेंगे। साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी हेल्प करनी चाहिए इन पुअर नेशंस की, और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 50 साल या 50 ईयर लेट चल रहे हैं बायोडायवर्सिटी को लेते हुए। और कुछ ऐसे भी हैं कि ओजोन लेयर को ख़तरा करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे ओजोन को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्पेशली फ्रेयोन्स या CFC कहते हैं उनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये निकलते हैं रेफ्रिजरेटर, AC फॉर्म बनाने वाले और जितने भी स्प्रे बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वहाँ से ये ओजोन लेयर को ख़तरा करने वाली ये CFC को प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें निकलती हैं, इस पर टोटली बैन लगा देना चाहिए। और कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव लॉ लेके आने चाहिए सभी कंट्रीज़ को मिलकर, क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए थ्रेट नहीं है बायोडायवर्सिटी का, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड या पूरे अर्थ के लिए एक डेंजर है या ख़तरा है या थ्रेट है, इसीलिए सभी कंट्रीज़ को मिलकर कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन, कुछ ऐसे लॉ लेके आने चाहिए स्ट्रिक्ट जिनसे कि बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।